स्टूडेंट्स ऑफ सेवन स्टैंडर्ड लेट अस कंटिन्यू नाउ वी आर ऑन पेज नंबर टू। अब हम पेज नंबर टू पे आ गए हैं। तो पेज नंबर टू पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया गया, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जो जो स्टेट्स थे उनके बारे में बताया गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम वेरियस स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड विच इंक्लूडेड गढ़वाल स्टेट ऑफ कनौज, चांडेल्स ऑफ बुंदेलखंड, द परमार किंगडम ऑफ मालवा, द चालुक्य किंगडम ऑफ अनहिलवाद, चेड़ी किंगडम ऑफ दाल एंड द चौहान किंगडम ऑफ शकंभरी, द गोहिल किंगडम ऑफ सदर्न राजस्थान। अब डिक्लाइन यानी गुर्जर प्रतिहार का जो किंगडम था यानी उनके राज्य जो है वो जब डिक्लाइन कर दिया गया यानी उसे जब मना कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तब उसके बाद में कई सारे राज्य जैसे कि कई सारे राज्यों की स्थापना हुई। अब उनमें इंक्लूड करने वाले जो अलग अलग राज्य हुआ करते थे वो कौन से, गढ़वाल राज्य जो कन्नौज का था, चंडेल्स का, बुंदेलखंड, परमार किंगडम द्वारा जो राज्य की बनाया गया था मालवणों का, चालुक्य जो है वो किंगडम ऑफ अहिलवाद, चेड़ी किंगडम ऑफ दाल एंड चौहान किंगडम ऑफ शाकंभरी, द गोहिल किंगडम ऑफ सदर्न राजस्थान। तो ये अलग अलग जगह और अलग अलग राजाओं द्वारा जो राज्य का निर्माण किया गया था उनके नाम दिए गए हैं। उसके बाद है चंद्रदेवी फाउंडेड द गढ़वाल किंगडम, चंद्रदेव ने गढ़वाल किंगडम की स्थापना की थी या फाउंडेड यानी उन्होंने खोजा था, इसका निर्माण किया था। ही मेड काशी अनदर कैपिटल बिसाइड्स कन्नौज, कन्नौज के अलावा उन्होंने काशी को अपना दूसरा राज्य बनाया, कैपिटल बना दिया। रूलर्स लाइक मदन चंद्र, गोविंद चंद्र और इन दिस डायनेस्टी। अब जैसे कि रूलर्स यानी शासक जो हैं मदन चंद्र या गोविंद चंद्र जैसे शासक जो हैं वो इसी दौर के माने जाते हैं या इसी क्षेत्र में पैदा हुए। गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट मेजेस्टिक एंड वॉलियंट किंग ऑफ द क्लैन, गोविंद चंद्र को बहुत ही ईमानदार और ताकतवर राजा माना गया उस दौर का। ही प्रिवेंटेड द इन्वेशन ऑफ गजनी एंड रेनोवेटेड मैनी बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज, उन्होंने इन्वेशन प्रिवेंटेड द इन्वेशन यानी गजनी द्वारा इनको बचाया और रेनोवेट किया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, जो बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी उनको रेनोवेशन किया यानी उनको निखारा था। अदर रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूड चंडेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड, इसके अलावा कई सारे रूलर्स यानी कई सारे शासक जो नॉर्थ इंडिया के हैं उनमें से चंडेल रूलर्स जो बुंदेलखंड के उनको भी माना जाता है। लेटर द स्टेट ऑफ चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन वॉज नोन एज जेजा का भुक्ति। अब ये जो बुंदेलखंड का चंडेल्स का जो बुंदेलखंड राज हुआ करता था उसे बाद में जीजा का भुक्ति नाम से जाना गया। देर वेर ग्रेट रूलर्स लाइक यशोवर्णम वर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहीरदेव इन दिस स्टेट। उसके बाद में कई सारे बड़े बड़े शासक जैसे कि यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहीरदेव ये लोग भी जो हैं इनके भी राज्य बने। चंडेल डायनेस्टी होल्ड्स ग्रेट इम्पोर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री, चंडेलों का जो डायनेस्टी हुआ करता था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था अपने भारत के इतिहास में। खजुराहो, कलिंजार एंड महोबा आर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ चंडेल्स। अब खजुराहो, कलिंजार एंड महोबा ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ मानी जाती थी चंडेल्स की। खजुराहो बिकेम फेमस एज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ड्यू टू इट्स मैग्निफिशेंट टेम्पल्स। अब खजुराहो जो है वो यात्रियों को आकर्षित करने वाला एक तीर्थ स्थल माना गया क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए थे या अच्छे अच्छे मंदिर जो है लोगों को वो पिलग्रिमेज के लिए उत्साहित करते थे यानी यात्री जो हैं वो इसी से चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते थे। चंडेल्स बिल्ट एंड डेकोरेटेड ग्रेट रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड रिजर्वर्स इन बुंदेलखंड, चंडेलों ने बहुत सारे जैसे धार्मिक स्थल, धार्मिक बिल्डिंगें या सांस्कृतिक ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण किया जो कि बुंदेलखंड में हुआ था या जिनका निर्माण जो है वो बुंदेलखंड में ही शुरू हो चुका था। सिंस एंशियंट टाइम्स द रीजन ऑफ मालवा हैज़ बीन नोन एज द अवंती और उज्जैनी। अब जब प्राचीन दौर से देखा जाए तो मालवाओं को और भी नाम से जाना जाता था जैसे अवंती और उज्जैनी नाम से। कृष्णराज फाउंडेड परमार डायनेस्टी इन 820 AD। अब कृष्णराज ने परमार डायनेस्टी का निर्माण किया जो कि 820 के दौर में हुआ था। द परमार डायनेस्टी हैड ग्रेट रूलर्स लाइक सीयुक, मुंज, भोज एक्सेट्रा। परमार डायनेस्टी के पास भी बहुत बड़े बड़े महान शासक हुआ करते थे जैसे कि सीयुक, मुंज और भोज इन जैसे लोग। भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी, भोज को बहुत बड़ा शासक या बहुत ईमानदार शासक परमार डायनेस्टी का माना गया। ही वॉज पॉपुलर एज एन आइडियल किंग इन इंडिया। अब उनका काफ़ी नाम रहा राजाओं के दौर में या राजाओं के नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे।
राजा भोज एस्टेब्लिश्ड ए कॉलेज इन धारणगिरी। राजा भोज ने क्या किया था, एक कॉलेज का निर्माण किया था जो कि धारणगिरी में था। ही एस्टेब्लिश्ड ए ब्यूटीफुल सिटी नेम्ड भोजपुर। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर शहर का निर्माण भी किया था जिसे भोजपुर नाम से जाना गया, प्रेजेंट भोपाल, आज हम उसे भोपाल के नाम से जानते हैं। विच वॉज सराउंडेड बाई स्मॉल हिल्स, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों से घेरा हुआ है। मैनी राजपूत चीफ्स ऑफ चौहान और चाहमन डायनेस्टी रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। बहुत सारे राजपूत जैसे कि चौहान और चाहमान, इन लोगों का शासन जो रहा है वो गुजरात और राजस्थान के कई भागों में रहा है। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस रूलर्स रूल्ड इन शाकंभरी इन द 8th century। इन्हीं की एक जो ब्रांच है या इन्हीं की एक टुकड़ी जो है उसने शाकंभरी पर भी अपना शासन किया था जो कि 8th century की बात है। शाकंभरी इज़ ए प्लेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर। शाकंभरी वो जगह है जो कि नॉर्थ में देखी जाती है अजमेर इलाके में, नियर सांभर लेक, और ये सांभर लेक जो है सांभर नदी तालाब जो है उसके आसपास है। वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चाहमन एंड चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी। वासुदेव को निर्माणक फाउंडर माना गया है कि इनके द्वारा उसका निर्माण किया गया था, किसका, चाहमन और चौहान डायनेस्टी का, जो ऑफ शाकंभरी, शाकंभरियों की। इन द बिगनिंग ऑफ द 12th century अजयराज सेट ऑन द थ्रोन ऑफ शाकंभरी। अब जैसे ही 12वीं सदी का शुरुआत हुई थी उस टाइम पे अजयराज जो हैं वो कुर्सी या वो राजा बनकर थ्रोन पर बैठ चुके थे। ही एस्टेब्लिश्ड ए टाउन नेम्ड अजयमेरू विच वॉज लेटर नोन एज अजमेर। जब वो उन्होंने स्थापना की थी तो अपनी उस सिटी को अजयमेरू नाम से किया था, और बाद में जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई और वो अजमेर नाम से फेमस है, यानी अजमेर नाम से सब लोग जानते हैं उसको।